में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बंगाल की स्पेशल सब्जी, जिसका नाम है झींगा पोई कद्दू, मीठा कद्दू जिसे हम पंपकिन कहते हैं, उसकी सब्जी। उसके लिए हमने मीठे कद्दू को लिया है, पोई की साग को लिया है और प्रॉन जिसे झींगा बंगाली में चिंगड़ी बोलती है उसको लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने प्रॉन में पहले से ही हल्दी, नमक और लाल मिर्च मिला के रख लिया था, बस हमें इसे मिक्स करके तेल में फ्राई करना है। तो देखिए हम इसे तेल में डाल देते हैं। देखिए हमारा झींगा फ्राई हो रहा है, जिसे हम प्रॉन बंगाली में चिंगड़ी मास बोलते हैं। तो हमारा प्रॉन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने काला राई, सरसों, लाल सूखी मिर्च, लहसुन और जीरा धनिया पाउडर ले लिया। हम सबको बारीक पेस्ट बना लेते हैं। हमारा झींगा मछली अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, बस हमें इतना ही फ्राई करना है, जिसे हम प्रॉन भी कहते हैं। बस हमें इतना ही फ्राई करके निकालना है, हम सारे पीस को फ्राई करके इसी तरह से बाहर कर लेंगे। अब इसी टाइम हम तेल में थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे फोरन के लिए। हमारा मेथी दाना पैक होने लगा है। अब हम इसको अपनी स्लाइस की हुई ऑनियन डालेंगे। हमने दो मीडियम साइज की ऑनियन को लिया था, इसे हम स्लाइस करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा ऑनियन हल्का सॉफ्ट हो गया है, हमें बस इतना ही ब्राउन रखना है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब हमारा मसाला भी पीस के रेडी हो चुका है, जिसे हमने बारीक पेस्ट बना दिया है। इन सारे मसाले को हमें अच्छे से डाल के थोड़ा देर से पकने देना है तेल में। अब हम इसी समय हल्दी थोड़ा सा ऐड करेंगे। बाकी मसाले को तो हमने पीस लिया था, आप तीखा उतना ही खाइएगा, जितना आपको पसंद है आप उतना ही मिर्च डालिएगा। आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सूखी लाल मिर्च डाली थी, पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सूखी लाल मिर्च का भी। अब हम इसे ढक के पकने देंगे गैस का फ्लेम कम करके अपने मसाले को, जब तक ये तेल न छोड़ दे। हमारा मसाला थोड़ा सा पकने लगा है, इसी समय हम नमक ऐड करेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छी तरीके से गल जाए। आप उतना ही नमक ऐड कीजिए जितना आप स्वाद पसंद करते हैं, नमक का तेज या हल्का। अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह से पक जाए और सारा मसाला तेल छोड़ दे। गाइस, हमारा मसाला कितना अच्छा तेल छोड़ चुका है, देख रहे हैं ना आप। हमने नमक डाल दिया था तो हमारा प्याज भी बहुत अच्छे से गल गया है और हमारा सारा मसाला तेल छोड़ चुका है, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें अपना पंपकिन डालेंगे, जिसे हम मीठा कद्दू भी बोलते हैं। तो देखिए हम अपना पंपकिन को ऐड कर रहे हैं, इसमें डाल के ढक्कन को बंद करके इसे अच्छी तरह से पकने देंगे कुछ देर के लिए। देख रहे हैं ना सारा मसाला इसमें कितनी अच्छी तरह से लटपट हो गया है। अब बस हम इसका ढक्कन ढक देंगे और गैस का फ्लेम कम करके इसे थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए हमारा पंपकिन मसाले में अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए कितनी अच्छी से गल गई है पंपकिन। अब इसी समय हम ऐड करेंगे, हमारा मसाला भी भुन चुका है, पंपकिन भी गल चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसी समय अपना कटा हुआ पोई साग, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसे भी हम ऐड करके गैस का फ्लेम कम करके बस ढक देंगे और इसे भी गलने देंगे। हमारा पोई साग भी अच्छी तरीके से गल गया है, हमने गैस का फ्लेम कम करके इसे ढक के रख दिया था। देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी पोई साग भी गल चुकी है। अब इसी टाइम हम ऐड करेंगे अपना फ्राई किया हुआ प्रॉन, जिसे हम झींगा मछली बोलते हैं, इसे हम पूरी ऐड करके इसमें मिला देंगे और फिर इसे गैस को फ्लेम को कम करके इसे ढक के कुछ देर के लिए इसी तरह पकने देंगे। आप चाहे तो इसी भी थिकनेस रख सकते हैं, चाहे तो हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्का पानी ऐड करूंगी अभी नहीं, कुछ देर के बाद। देखिए हमारा सब्जी बहुत अच्छी तरीके से गल गया है, हमारा पोई, हमारा पंपकिन, मीठा कद्दू, चिंगड़ी, झींगा सब पक के एकदम रेडी हो चुका है। हमारी सब्जी भी बहुत अच्छी है, इसकी थिकनेस देख रहे हैं कितनी अच्छी है, लेकिन मैं इसमें लाइट पानी ऐड करूंगी, हल्की सी पानी, क्योंकि मैं इसे आज चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बट हल्की सी पानी को ऐड करूंगी। बस देखिए हमारा सब्जी पक के रेडी हो चुका है, एक दो बॉयल आने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। आप भी उतना ही रखिए जितना आपको पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा पतला नहीं बनता है, ऐसे ही गाढ़ा ही बनता है ये सब्जी, थोड़ा इसमें थिकनेस रहती है। चलिए अब मैं 10 मिनट के बाद गैस बंद करके आपको दिखाती हूँ मेरी सब्जी कैसे बनके रेडी हुई है। देखिए गाइस, हमारा गैस बंद हो गया और हमारे कलर देखिए कितना अच्छा आया है, हमारा ग्रेवी देखिए, हमारा ग्रेवी बस हमें इतना ही ठीक रखा है, देख रहे हैं ना। बस अब हम इसे चावल के साथ सर्व करके आपको दिखाते हैं, देखिए हमारी कैसी बनी है, आलू चिंगड़ी और कुमरो, हम लोग बंगाली में इसे कुमरो बोलते हैं, जिसे पंपकिन बोलते हैं। चलिए बना दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, चिंगड़ी, पोई साग और मीठे कद्दू का, तो उसको आज मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा और एक बार मेरे तरीके से बनाकर जरूर कोशिश कीजिएगा खाने की। तो आपको जैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताइएगा, मैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की डिश मिलती रहे देखने को।